नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुढ़िंगे शुरुआत करते हैं। हरिद्वार के जगजीतपुर में बनकर तैयार हुआ मेडिकल कॉलेज इसी सत्र में शुरू कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद अक्टूबर महीने में एमबीबीएस की 100 सीटों के लिए दाखिले शुरू कर दिए जाएंगे। हरिद्वार पहुंचे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया है और अस्पताल प्रशासन से व्यवस्थाओं को लेकर जानकारी भी ली है। साथ ही मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि अस्पताल के लिए टीचिंग स्टाफ की भी नियुक्ति कर ली गई है, अगले 2-3 महीनों में व्यवस्था भी कर ली जाएगी। मेडिकल कॉलेज के शुरू हो जाने से हरिद्वार और पड़ोसी जिलों के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। हरिद्वार मेडिकल कॉलेज जो है 3 अक्टूबर से यहाँ के 100 बच्चों के एडमिशन के लिए हम काउंसलिंग शुरू करेंगे और मुझे लगता है कि अक्टूबर में ही हमारे 100 बच्चों का यहाँ एडमिशन शुरू हो जाएगा। अब हरिद्वार जिले को एक बड़ी सौगात मिल गई कि यहाँ का मेडिकल कॉलेज इसी साल से शुरू हो जाएगा। आज मैं इसके निरीक्षण के लिए आया हूँ और लगभग 80% काम पूरा हो गया है। 58 हमने फैकल्टी भी यहाँ नियुक्त कर दी है। अब बच्चों के लिए हॉस्टल के लिए, यहाँ क्लासरूम के लिए, लाइब्रेरी के लिए सारी व्यवस्थाएं जल्दी की जाएंगी। गुरुकुल नारसन के राजा महेंद्र प्रताप आईटीआई कॉलेज के वर्तमान प्रधानाचार्य पर दिन दहाड़े भरे बाजार में एक व्यक्ति ने हमला कर दिया है। गुरुकुल नारसन में राजा महेंद्र प्रताप प्रेम विद्यालय सभा से कई स्कूल और कॉलेज संचालित भी किए जाते हैं और वहीं सभा की तरफ से आपको बताते चलें कि संचालित राजा महेंद्र प्रताप स्पोर्ट एकेडमी भी चल रही है और कुछ समय पहले एकेडमी में एक व्यक्ति को प्रधानाचार्य के पदभार पर टेम्परेरी नियुक्ति की गई थी और उसे प्रधानाचार्य के ठीक से कार्य न किए जाने और दुर्व्यवहार किए जाने पर उस पद से निष्कासित भी कर दिया गया है। निष्कासन के बाद वो पद पर अपना कब्जा किए हुए है। प्रेम विद्यालय सभा के सदस्यों ने पुलिस में इसकी रिपोर्ट दी है मगर अभी तक पुलिस ने इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की। कुछ समय बाद ही उसके ऊपर निष्कासित प्रधानाचार्य ने हमला कर दिया है। सोलह अगस्त को प्रेम विद्यालय की प्रबंध समिति के द्वारा जो स्पोर्ट एकेडमी के प्रधानाचार्य हैं उनको उनकी सेवा समाप्त कर दी गई थी, लेकिन वे तब से ही यहाँ जबरदस्ती स्पोर्ट एकेडमी में बैठे हुए हैं और इसमें जो हमने पुलिस को भी प्रबंध समिति ने तहरीर दी गई थी, पुलिस ने भी इसमें जो उनके खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करी और ये मामला बढ़ता बढ़ता अब मैं कल जब विद्यालय से अपने घर आ रहा था तो रास्ते में सर्विस रोड पर मैं अकेला था। हमने 16 अगस्त को तेजवीर सिंह की सेवा समाप्त कर दी थी और जब सब तक वहीं जमा बैठा और जो नया प्रधानाचार्य नियुक्त करी हमने मंजूर रानी, उसको भी परेशान करता है। उसने भी एप्लीकेशन एक पुलिस में दी, एक हमने प्रबंध समिति की तरफ से दी, लेकिन उसके बाद तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जो बच्चों की फीस है करीब 2 लाख रुपए, उसका जेब में घर बैठा है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। त्यागी भूमिहार ब्राह्मण समाज समिति के पदाधिकारियों ने हरिद्वार के जिला अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 1 अगस्त को आरक्षण संबंधी दिए गए ऐतिहासिक निर्णय को जल्द से जल्द लागू करने की अपील भी की है। समिति के सदस्यों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला देश के समावेशी विकास और समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। इसको लेकर उनका कहना है कि ये निर्णय उन वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचाना चाहिए जिन्हें आरक्षण का वास्तविक लाभ मिलना चाहिए। समिति के प्रदेश महासचिव प्रिंस कुमार त्यागी ने कहा कि वर्तमान में कई सक्षम परिवार आरक्षण का लाभ ले रहे हैं जबकि पिछड़े वर्गों को इसका उचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। ज्ञापन प्राप्त करते समय डिप्टी कलेक्टर मनीष कुमार ने भी बताया कि समिति के सदस्यों ने अपनी मांगों को जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति तक पहुंचाया है। उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि यह ज्ञापन राष्ट्रपति को प्रेषित कर दिया जाएगा।
त्यागी ब्राह्मण भूमिहार सामाजिक संगठन के लोग आए थे, उनके द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित एक ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में मुख्य रूप से जो माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश है 1/8/2024 का, उसको शीघ्र लागू करने की मांग की गई है। मेरे द्वारा शीघ्र ज्ञापन उचित माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को प्रेषित कर दिया जाएगा। ये हमने जो ज्ञापन दिया है, ये आरक्षण संबंधित जो अभी वर्डिक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो हमने माननीय राष्ट्रपति जी को ज्ञापन भेजा है डीएम साहब के माध्यम से, कि जो वर्डिक्ट आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसको जो है तुरंत जो है सरकार उसको लागू करे। क्योंकि अभी इस समय क्या स्थिति हो रखी है, ना तो सत्ता पक्ष इस विषय पे कोई संज्ञान ले रहा है, ना विपक्ष कोई संज्ञान ले रहा है। सरकारें तो ऐसी हो गई है बिल्कुल इस बात विषय पे आकर के कि बिल्कुल कोई जिक्र ही नहीं करना है किसी ने। उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने इनोवेशन फेस्टिवल की सराहना की है। साथ ही इनोवेशन फेस्टिवल राम विश्वविद्यालय और लक्ष्य सोसाइटी की ओर से दिसंबर में आयोजित किया जाता है। उन्होंने कहा कि इस समय इनोवेशन की जरूरत है, नए नए इनोवेशन के जरिए लोग आगे बढ़ रहे हैं। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने इसके लिए कई उदाहरण भी दिए हैं और उन्होंने कहा कि आज के युग में सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और साथ ही ओला उबर जैसे कई उदाहरण हैं जो नए नए इनोवेशन के जरिए ही सामने आए हैं। छविराम जो विश्वविद्यालय है और लक्ष्य सोसाइटी दोनों के तत्वाधान उत्तराखंड इनोवेशन फेस्टिवल 2024 का लोग आयोजन कर रहे हैं। ये अच्छी शुरुआत है क्योंकि आज का जमाने में इनोवेशन की ही के लिए ही लगे हैं। जितने इनोवेटिव आइडियाज के साथ इनोवेटर आगे आएंगे उतना संभावनाएं आगे बढ़ जाती है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो ये उत्तराखंड इनोवेशन फेस्टिवल जिसमें तक संख्या में इसमें काम किया जा रहा है, क्योंकि आज चाहे वो एनवायरमेंट कंजर्वेशन का हो, फॉरेस्ट कंजर्वेशन का प्रश्न हो, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का प्रश्न हो। गांधी जयंती के अवसर पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी मुजफ्फरनगर के रामपुर तिहराहा पहुंचे हैं और इस दौरान उन्होंने शहीदों की श्रद्धांजलि दी है। तो वहीं उत्तराखंड के सीएम आगमन को लेकर पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। साथ ही मुजफ्फरनगर के एडीएम प्रशासन नरेंद्र बहादुर सिंह और एसडीएम निकिता शर्मा ने मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी किया है। थाना बडकोट में पुलिस जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नगर की समस्याओं से लोगों ने पुलिस अधीक्षक को रूबरू कराया। नगरवासियों ने पुलिस अधीक्षक ने आपको बताते चले कि पहली बार यमुना घाटी आगमन पर फूलमाला से भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे एसपी अमित श्रीवास्तव ने कहा कि हम सभी का दायित्व है कि शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ता नशा, मानव तस्करी की समस्या के निस्तारण के लिए सभी को एक दूसरे का सहयोग करते हुए मिलकर प्रयास करना है। साथ ही उन्होंने कहा कि आप लोगों ने जो समस्याएं बताई हैं, पुलिस उन समस्याओं के समाधान का पूरा प्रयास करेगी। युवाओं को खासतौर पर बार बार आज मोरी थाना, पुरोला थाना और बड़कोट में सभी जितने भी हमारे पुलिस के अधिकारी कर्मचारी उनके साथ वार्ता की गई है, मीटिंग की गई है और जो भी अपराध संबंधी जानकारियां थी वो इकट्ठा की गई और जो भी दिशा निर्देश देने थे वो दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त बड़कोट थाना में जो जनप्रतिनिधि हैं, आम जनता है, उनके साथ भी एक संवाद कार्यक्रम किया गया। युवाओं को खासतौर पर श्राद्ध पक्ष का समापन हो गया है और इस दिन को पितृ अमावस के रूप में जाना जाता है। हरिद्वार स्थित नारायण शिला मंदिर पर देश के कई हिस्सों में श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे। यहां पर श्रद्धालु अपने पितरों के लिए पूजा पाठ, पिंडदान, तर्पण कर रहे हैं। मान्यता है कि नारायणी शिला मंदिर में पितरों का तर्पण करने से अशांत आत्माओं को मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर साल अमावस के इस अवसर पर न केवल भारत बल्कि विदेशों से भी लोग अपने पितरों के लिए यहां पर आकर पूजा अर्चना करते हैं। साथ ही पितृ विसर्जन अमावस्या का महत्व भी पितृ अमावस्या के समान ही माना जाता है। हरिद्वार के नारायण शिला मंदिर में पिंडदान का एक विशेष महत्व है। हरिद्वार की बात करें तो यह स्थान भगवान नारायण के विशेष आशीर्वाद के लिए जाना जाता है और यहां पर पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और यही कारण है कि हरिद्वार में पितृ अमावस्या पर
श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जाती है। भारत में अदृश्य है, इसलिए भारत में कोई उसका विधान नहीं। वैसे सूर्य ग्रहण के मध्य पितृ कार्य करने से कई हजार गुना फल मिलता है, परंतु आप ये मान के चले कि अगर भारत में सूर्य ग्रहण होता तो मंदिर बंद होता, क्योंकि है ना फिर हम लोग नहीं कार्य कराते। परंतु आज जो पितृ विसर्जनीय अमावस्या है, ये जो 16 दिन से हमारे घर पधारे हुए पितृ थे, आज हमारी श्रद्धा को स्वीकार करके अपने घर वापस जाने वाले हैं। पितृ लोग जो चंद्रमा का वो पृष्ठभाग जो अंधकार में रहता है, वहां पितरों का वास है। आज हम उनको अपनी अंतिम श्रद्धा देकर उनको विदा करेंगे। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूह को सीसीएल कैश क्रेडिट लिमिट का लाभ देने के लिए उत्तराखंड ग्रामीण बैंक द्वारा नारसन में एक ऐसा आपको बताते चले कि एक मेगा सीसीएल कैंप का आयोजन किया गया है। कैंप में नारसन विकासखंड के 21 स्वयं सहायता समूहों को सीसीएल स्वीकृत किया गया, जिसमें 21 समूहों के पदाधिकारी और सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया है, जिसमें बैंक ने 1,26,00,000 रूपये के लोन सेशन भी किए हैं, जिसमें से बैंक ने 31,50,000 रूपये बैंक के स्वयं सहायता समूहों को ट्रांसफर कर दिए हैं। और इसके अलावा आपको यह भी बताते चले कि बैंक अधिकारियों द्वारा सभी महिलाओं को समूह के सीसीएल के उपयोग की जानकारी भी दी गई है। वहीं डेन एन पर आपको बताते चले कि आरएलएम के ब्लॉक मिशन प्रबंधक प्रशांत सिंह द्वारा महिलाओं को सीसीएल से आवश्यकता के अनुसार धनराशि निकालकर उपयोग करते समय से निकाली गई राशि को वापस करने आदि के बारे में विस्तार से जानकारी भी दी गई। ग्रामीण बैंक के द्वारा यहाँ पे सीसीएल का कैंप का ऑर्गेनाइज किया गया था और ब्लॉक परिसर में आज हम लोगों ने अभी तक 42 फाइलें ब्लॉक बैंक में प्रेषित की थी, जिसमें से 31 का डिस्बर्समेंट हो रहा है और जिसकी हर जितनी भी 31 फाइलें हैं सारी फाइलों की फर्स्ट डोज हो रही है जो 1,50,000 है और सारे समूह यहाँ पे आए हुए हैं। ब्लॉक परिसर में 210 महिलाएं अभी उपस्थित हैं और सभी समूह से कुछ 3 पदाधिकारी आए हुए हैं जिनके साइन होना आज हो जाएंगे और सारा सीसीएल का पैसा आज उनको डिस्बर्स करके 31 फाइलों का डिस्बर्समेंट होगा। वेलकम, मैं अपना आपको इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की शाखा मंगलोर में शाखा प्रबंधक के पद पर कार्यरत हूं और अभी 3 महीने से यहां पर आया हूं। तो यहां पे जो मैंने देखा है, जो काम कर रहा हूं, उस क्षेत्र को जान रहा हूं, तो मैंने ये देखा है कि महिलाओं में कार्य करने की क्षमता है लेकिन उन्हें एक जो फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए होता है वो नहीं मिल रहा है। इसलिए हमारे बैंक ने हमारे जीएम मैडम और क्षेत्रीय प्रबंधक सर की जो है नेतृत्व में हम लोगों द्वारा ये शुरुआत की गई है कि हम जो महिला सशक्तिकरण की बातें करते हैं, जो हम महिला उत्थान की बातें करते हैं। चारधाम यात्रा के दूसरे चरण में सरकार द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं। यात्रा के सुचारू संचालन के लिए ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है और हरिद्वार के पर्यटन अधिकारी के अनुसार भी प्रतिदिन 500 से 1,000 रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई भी समस्या न हो। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जो भी श्रद्धालु धामों पर पहुंच रहे हैं उन्हें सरकार द्वारा पूरी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं ताकि उनकी यात्रा सुखद सुरक्षित हो सके। राज्य सरकार ने सुनिश्चित किया है कि यात्रा के दौरान स्वास्थ्य सुरक्षा, आवास की बेहतर व्यवस्था रहे, इससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई कठिनाई का सामना न करना पड़े। देखिए, चारधाम यात्रा के द्वितीय चरण की तैयारियां कर ली गई है और इस संबंध में अभी तक का जून तक लगभग 70,000 पंजीकरण हो गए थे और तब से प्रत्येक माह लगभग 4,000 पंजीकरण हो रहे हैं। अभी इस माह में सितंबर अंत तक का प्रतिदिन के 1,500 से अधिक पंजीकरण किए जा रहे थे और हमारा प्रयास है कि जो भी यहाँ पर आ रहा है अपना पंजीकरण कराए, उनको रहने की व्यवस्था हो और जो भी वो आगे धाम में जा रहे हैं उनको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाए, उनको जानकारी मिले कहाँ पर लैंडस्लाइड है, कहाँ पर बारिश हो रही है, कहाँ उनकी जगह है, जिससे कि हरिद्वार और अन्य जनपदों में चाहे उत्तरकाशी हो, चाहे रुद्रप्रयाग हो, चमोली हो, कहीं भी ऐसी स्थिति ना बने जहाँ पर तीर्थयात्रियों को, पर्यटकों को असुविधा का सामना करना पड़े।
देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह रानी पोखरी पुलिस थाने पहुंचे। थाने का निरीक्षण कर पुलिस व्यवस्था को परखा और इस अवसर पर एसएसपी ने थाने के मालखाने, सशस्त्रगार और साथ ही कैंपस क्राइम रिपोर्ट, थाने के रजिस्टर को चेक किया। पुलिसकर्मियों को सम्मानित करने के साथ ही उनके साथ मेस में बैठकर खाना खाया और सभी पुलिसकर्मियों को अच्छा काम करने के लिए प्रोत्साहित भी किया है और क्षेत्र में अपराध पर सख्ती और नशे के खिलाफ लगातार अभियान चलाकर कार्रवाई भी की जाने के निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण के दौरान ऋषिकेश क्षेत्राधिकारी, रानी पोखरी के थानाध्यक्ष विकेंद्र चौधरी सहित तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। जो आज निरीक्षण किया जा रहा है रानी पोखरी थाने का, इसमें बेसिकली जो हमारा रहता है कि जो हमारे रिकॉर्ड्स हैं वो किस तरह से रखे हैं, अद्यावधिक अपडेट है कि नहीं है, और नया वाला जब से कानून हमारा बीएनएस और बीएनएसएस लागू हुआ है तब से तो इसमें बहुत सारे ऐसे मैंडेटरी हमें रिकॉर्ड्स रखने जरूरी है जो थाने पर रखने चाहिए, तो उसको भी एक चेक करने का प्रावधान है कि उसको चेक कर लिया जाए। साथ ही साथ जो हमारा मालखाना है उसमें क्या कंडीशन है, जो आवासीय व्यवस्थाएं हैं उनमें कोई दिक्कत तो नहीं है, और जो यहाँ के कर्मचारी हैं उनको कोई ऐसी व्यक्तिगत समस्या या प्रोफेशनल दिक्कत तो नहीं है, सभी चीज़ों के लिए एक निरीक्षण रखा जाता है जिससे अधिकारियों से वन टू वन, कर्मचारियों से वन टू वन बात हो जाए। और चूंकि अभी यह निरीक्षण अभी चलेगा, इसमें सभी दस्तावेजों को चेक किया जाएगा। चले के निरीक्षण के दौरान कई अधिकारी यहां पर मौके पर मौजूद रहे हैं। एसएसपी ने थाने का निरीक्षण किया है। पूरा मामला ऋषिकेश से है जहां पर एसएसपी ने थाने का निरीक्षण किया और तमाम तरह की जो खामियां पाई गई उनको दूर करने के निर्देश भी दिए गए हैं। पुलिस व्यवस्था का जायजा भी लिया है और निरीक्षण के दौरान कई अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे, तमाम तरह के दिशा निर्देश यहां पर दिए गए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए मास्टर प्लान दिया गया है, जिसको लेकर यमुनोत्री के निर्दलीय विधायक संजू डोभाल ने मुख्यमंत्री का आभार जताया। इस बात पर यमुनोत्री विधायक संजू डोभाल ने कहा कि इस मास्टर प्लान के तहत रिंग रोड भी बनाई जाएगी और साथ ही इसकी पहली किश्त उत्तरकाशी जिला प्रशासन को जल्द ही मिल जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि रोपवे के प्रथम चरण का कार्य यमुनोत्री विधायक ने आभार भी जताया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमारे यमुनोत्री के लिए एक मास्टर प्लान दिया है, उसमें रिंग रोड भी है और सभी कुछ है, और जो भी चीजें हमने उन्होंने उनके नेतृत्व में अभी मास्टर प्लान भी जल्द मिले, एक दो महीने के अंदर उसकी पहली किस्त जिला प्रशासन को प्राप्त हो जाएगी, और दूसरा रोपवे का कार्य भी लगभग प्रथम चरण का पूरा हो गया है, जो जियो टैगिंग वगैरह होती है उसका हो गया है, बहुत जल्द उसका कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। निराश्रित गौवंश पर डीएम नैनीताल ने सख्त रुख अपनाया है। डीएम को शिकायत मिली थी कि जिन गौवंश को नगर निगम टैगिंग करके गौशाला भेज रहा है उनको फिर से गौशाला से बाहर भेज दिया जा रहा है। इसकी शिकायतें संज्ञान में आने के बाद जिलाधिकारी नैनीताल ने कहा कि संबंधित गौशाला का समिति ने निरीक्षण किया है और अनियमितताएं पाई जा रही हैं और अब समिति हर 15 दिन में गौशाला जाकर जो है वो गायों का सत्यापन भी करती है। यदि इसके बावजूद भी कई गौवंश जो है वो मिसिंग पाई जाती है तो संबंधी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और निराश्रित गौवंश को देखते हुए रामनगर में गौशाला निर्माणाधीन है और जबकि हल्द्वानी गंगापुर कबरवाल गांव में 300 गायों की क्षमता वाली गौशाला का काम 50% पूरा हो चुका है। निराश्रित गौवंश की जानकारी मिलने पर नगर निगम को सूचना दी जा सकी है और साथ ही गौवंश को गौशाला भेजने का काम भी करेगी। मेरी नॉलेज में आया था, बैल पड़ाव से भी आया था और हल्दूचौड़ से भी आया था, दोनों जगह से, कि जो नगर निगम गाय भेज रहा है टैगिंग करके, रजिस्ट्रेशन करके, उनको वापस बाहर छोड़ दे रहे हैं। इसके बाद उन दोनों गौशालाओं का निरीक्षण विभाग की जो टीम है, जिला स्तरीय समिति बनी हुई है, उनके द्वारा किया गया था और जितने भी गाय नगर निकायों के द्वारा वहां भेजे गए हैं उनकी, क्योंकि सूची भी नगर निकायों के पास है उनकी टैगिंग की।
गुरुकुल नारसन के राजा महेंद्र प्रताप आईटीआई कॉलेज के वर्तमान प्रधानाचार्य पर घर जाते समय दिनदहाड़े एक व्यक्ति ने हमला कर दिया है और मामला गुरुकुल नारसन का है, जहां पर गुरुकुल नारसन में राजा महेंद्र प्रताप प्रेम विद्यालय सभा से कई स्कूलों और कॉलेज के संचालित किए जाते हैं। सभा के द्वारा संचालित राजा महेंद्र प्रताप स्पोर्ट्स एकेडमी भी चल रही है और कुछ समय पहले एकेडमी में एक व्यक्ति को प्रधानाचार्य के पदभार पर टेम्परेरी नियुक्त किया गया था। उसी के प्रधानाचार्य के द्वारा ठीक से कार्य न किए जाने और प्रेम विद्यालय सभा के सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार किए जाने पर उसे पद से निष्कासित कर दिया गया है और साथ ही निष्कासित प्रधानाचार्य अभी भी वहां पर अपना कब्जा किए हुए हैं और प्रेम विद्यालय सभा के सदस्यों ने पुलिस में इसकी जो रिपोर्ट है वो दी है और अभी तक पुलिस ने इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की है। प्रधानाचार्य का आपको बताते चले कि एक व्यक्ति ने दिन दहाड़े हमला कर दिया है। ये पूरा मामला रुड़की से है जहां पर अब तक इस पूरे मामले पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। सिर पर गंभीर चोटें आई हैं और डॉक्टर ने आपको बताते चले कि लगातार काफी ज्यादा चोटें आई हैं जिसकी वजह से इस पूरे मामले पर पुलिस को सूचना दी गई लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई इस मामले पर नहीं की गई। प्रधानाचार्य पर हमला किया गया है और अभी तक आरोपी बाहर हैं और इसको लेकर इस पूरे मामले पर जांच की अपील करते हुए पीड़ित नजर आ रहे हैं। एक व्यक्ति ने दिन दहाड़े उन पर हमला कर दिया जिसका ये पूरा वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि रुड़की से हैं जहां पर प्रधानाचार्य पर हमला किया गया है जिसके बाद में पुलिस को शिकायत दी है और अभी तक इस पूरे मामले पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। सोलह अगस्त को प्रेम विद्यालय की प्रबंध समिति के द्वारा जो स्पोर्ट एकेडमी के प्रधानाचार्य हैं उनको उनकी सेवा समाप्त कर दी गई थी लेकिन वे तब से ही यहां जबरदस्ती स्पोर्ट एकेडमी में बैठे हुए हैं और इसमें जो हमने पुलिस को भी प्रबंध समिति ने तहरीर दी गई थी, पुलिस ने भी इसमें जो है उनके खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करी और ये मामला बढ़ता बढ़ता अब मैं कल जब विद्यालय से अपने घर आ रहा था तो रास्ते में सर्विस रोड पर मैं अकेला था और ये पीछे से मोटरसाइकिल लेकर आया और मोटरसाइकिल रोक कर नाले के पास में जो है मेरे पर इसने जानलेवा हमला करा। हमने 16 अगस्त को तेज मेडिसिन की सेवा समाप्त कर दी थी और जब सब तक वहीं जमा बैठा और जो नया प्रधानाचार्य नियुक्त करी हमने मंजू रानी उसको भी परेशान करता है, उसने भी एप्लीकेशन एक पुलिस में दी, एक भी हमने प्रबंध समिति की तरफ से दी लेकिन उसके बाद तक कोई कार्रवाई नहीं और जो बच्चों की फीस है करीब 2 लाख रुपए उसका जेब में घर बैठा है उसका कोई हिसाब नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।